गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सॉइल मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं, जो कि सॉइल मैकेनिक्स का इसके पहले आपका फोर क्लास हो चुका है, आज आपका फिफ्थ क्लास है, जो कि इसमें आपका हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल की मृदा का वर्गीकरण और उनका परिचय, मृदाओं का वर्गीकरण एवं उनका परिचय कि मतलब मृदा हमारी कितने प्रकार से होती हैं और मृदाओं का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं, पहला हमारा जो हेडिंग है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है? मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण। तो मृदा का वर्गीकरण निम्न दो प्रकार से करते हैं, निम्न दो प्रकार से करते हैं। तो कौन कौन सा होता है? तो दो प्रकार से हमारा जो होता है, एक होता है मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कणों के माप के आधार पर, किस पे? कणों की माप के आधार पर। और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता की माप के आधार पर। तो हमारा दो प्रकार का हो गया, मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल्स और दूसरा मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। तो आगे हम देखते हैं कि अगला जो हेडिंग हमारा है मैकेनिकल एनालिसिस, यांत्रिक विश्लेषण, हम किस प्रकार से अपने कण का, पार्टिकल का करते हैं। तो यांत्रिक विश्लेषण, मैकेनिकल एनालिसिस क्या है, इसी को बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉयल, मतलब कणों के माप के आधार पर मृदा का वितरण। तो किस प्रकार से इसको बांटा गया, अलग देखते हैं हम लोग। हमारे पास एक चार्ट है, चार्ट हम समझते हैं चार्ट के माध्यम से। तो पहला हमारा क्या हो गया, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कण परिमाप वितरण, कण परिमाप वितरण। तो अब इसमें देखते हैं, हमारा मेन दो टाइप्स होता है, एक होता है हमारा पहला सीव एनालिसिस मेथड, मतलब कण परिमाप विश्लेषण, सीव एनालिसिस मेथड मतलब कण परिमाप विश्लेषण। और दूसरा हमारा होता है सेडिमेंटेशन मेथड, अवसादन विश्लेषण। क्या होता है? अवसादन विश्लेषण। तो हम लोग पहले सीव एनालिसिस मेथड के बारे में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो कण परिमाप विश्लेषण में दो प्रकार की होती है, एक होता है महीन चालनी विश्लेषण और एक होता है स्थूल चालनी विश्लेषण, जिसमें फाइन सीव एनालिसिस बोलते हैं और दूसरे बोलते हैं कोर्स सीव एनालिसिस। तो फाइन सीव एनालिसिस, इसी से डिफिनेशन भी आपका हो जाएगा, क्योंकि हम अलग अलग डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि आपको इसी में डिफिनेशन भी आप कर लेंगे। तो अगर पूछता फाइन सीव क्या होता है, तो फाइन सीव मतलब होता है कि अगर किसी पार्टिकल की साइज 4.75 mm से क्या होगा, फोर पॉइंट सेवन फाइव एम एम से कम और 75 माइक्रोन से ज्यादा हो, मतलब 4.75 mm से कम और 75 माइक्रोन से ज़्यादा हो, वो कण हमारे किसके होंगे? फाइन सीव एनालिसिस में आते हैं। किसमें आएंगे? फाइन सीव एनालिसिस, मतलब जिस कण की साइज 75 माइक्रोन से ज़्यादा और 4.75 mm से कम होगा तो वो महीन चालनी विश्लेषण कहलाता है। अब स्थूल चालनी क्या होता है? स्थूल चालनी विश्लेषण जो आपका होता है, जिस कण का आकार 4.75 mm से बड़ा और 80 mm से छोटा होता है, वो हमारा कहलाता है स्थूल चालनी विश्लेषण। क्या कहलाएगा? स्थूल चालनी विश्लेषण। अब महीन चालनी में दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका ड्राई मेथड, एक होता है वेट मेथड, तो शुष्क विधि और गीली विधि। तो आप लोग कण परिमाप में दो प्रकार से पढ़ लिए, महीन चालनी और स्थूल चालनी। तो नीचे आपका उसके साइज भी दे दिए गए हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब सेकंड हमारा जो आता है वो होता है हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस, मतलब अवसादन विश्लेषण। इसके लिए क्या होता है? जिस कण की साइज 2.2 माइक्रॉन से ज्यादा और 75 माइक्रॉन से छोटा होता है, मतलब 75 माइक्रॉन से जो छोटे कण होते हैं उनका जो हम विश्लेषण करते हैं वो सेडिमेंटेशन मेथड से विश्लेषण करते हैं। जिसका 75 माइक्रॉन से साइज छोटा होता है और 0.2 माइक्रॉन से बड़ा होता है, उस प्रकार के जो होते हैं हमारे पार्टिकल, उनका विश्लेषण हम अवसादन मेथड से करते हैं। ये भी दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है आपका पीपेट मेथड, एक होता है हाइड्रोमीटर मेथड, एक होता है पीपेट विधि, एक होता है हाइड्रोमीटर विधि। इस आपका दो प्रकार से ये होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको मैं आपको जब क्लास आप लोग पढ़ाए थे बताए थे आपको कि साइज ऑफ क्ले, साइज ऑफ सिल्ट, साइज ऑफ सैंड, साइज ऑफ ग्रेवल, तीनों के बारे में। तो हमारा देखते हैं साइज ऑफ सिल्ट क्या होता है। साइज ऑफ सिल्ट जो आपकी होती है वो होता है 2 माइक्रोन से कम, 2 माइक्रोन से कम। तो
तो हमारा 0.002 mm भी उसी को बोलते हैं। तो साइज ऑफ क्ले का मान ये आपको पता बता दिया गया। साइज ऑफ सिल्ट का 2 माइक्रॉन से ज़्यादा, 75 माइक्रॉन से छोटा। साइज ऑफ सैंड 75 माइक्रॉन से लेकर के 4.75 mm तक। और साइज ऑफ ग्रेवल जो आपका होता है वो होता हमारा 4.75 mm से 80 mm, 4.75 से 80 mm तक हमारा ये आपका साइज होती है। अब अगला जो हमारा आता है वो आता है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, भारतीय मानक वर्गीकरण। तो भारतीय मानक वर्गीकरण चार्ट से हम देख सकते हैं, चार्ट में हमारा सब दिया हुआ है। क्ले का आपका जो होता है बताएं अभी को 2 माइक्रॉन से छोटा, सिल्ट जो होता है 2 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन तक, और सैंड जो होता है वो 75 माइक्रॉन से 4.75 mm तक, 4.75 mm तक। इसको तीन श्रेणी बांटा गया, फाइन, मीडियम, कोर्स, मतलब महीन, मध्यम कण और बड़े कण। तो महीन, फाइन, मीडियम, कोर्स, इसके सब साइज अलग अलग दिए गए हैं। और ग्रेवल आपका जो होता है 4.75 से 80 होता है, कोबल जो होता है वो 80 से 300 mm होता है, और बोल्डर जो होता है वो 300 mm से ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से आपका जो क्लासिफिकेशन दिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आपका आज का क्लास जो था आपका इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू क्लास।